This is me, Jolly Yadav. Welcome back to our channel, Reality 360 Degree. Guys, आज मैं आप सभी को नोएडा के एक ऐसे सेक्टर में लेके जाने वाली हूँ जो कि यहाँ का एक अपकमिंग डेवलपिंग सेक्टर है एंड इन कमिंग फ्यूचर इस सेक्टर की वैल्यू, इस सेक्टर की लैंड वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होने वाली है. तो यहाँ पर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेंगे वो श्योरली आपकी काफी ज्यादा अप्रिशिएट करेगी. तो आज जिस सेक्टर में मैं आप सभी को लेके जाने वाली हूँ वो है सेक्टर 146 नोएडा. एंड यहाँ पर गोदरेज का सबसे पहला प्रोजेक्ट आया हुआ है. तो आज जिस प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है गोदरेज ट्रॉपिकल आइल. इस वीडियो में मैं इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी. इसकी लोकेशन कैसी है, कनेक्टिविटी कैसी है, इस प्रोजेक्ट में क्या खास बातें हैं, प्लस यहाँ पर जो अप्रिसिएशन है वो कैसा रहेगा, उसके साथ साथ प्रोजेक्ट में कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव अमेनिटीज भी मिल रही हैं. तो वो सारी चीजें हम फर्दर इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा कि आज का प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है. बट अभी चलिए मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाती हूँ. सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट की लोकेशन और कनेक्टिविटी समझते हैं. गाइस, मैं गोदरेज ट्रॉपिकल आइल की लोकेशन पर आ चुकी हूँ. यहाँ से प्लॉट आपका अराउंड 50 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पर है. एंड आप एक और चीज देखिए, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी मिल जाता है आपको. तो नोएडा सेक्टर 146 मेट्रो स्टेशन हमारे प्रोजेक्ट के बिल्कुल ही एडजॉइनिंग है. आपको गोदरेज ट्रॉपिकल आइल के बिल्कुल ही एडजॉइनिंग मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी मिल जाती है. सो ये तो थी आपकी मेट्रो की कनेक्टिविटी. प्लस अगर लोकेशन की बात करें तो ये प्रोजेक्ट आपका बैंगोन एक्सप्रेसवे है. सामने आपका एक्सप्रेसवे है नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, जिसका मतलब ये भी है कि यहाँ से आपको दिल्ली एंड ग्रेटर नोएडा की बहुत ही इजी कनेक्टिविटी मिल जाती है. दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली आपका यहाँ से अराउंड 20 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेगा. प्लस ग्रेटर नोएडा आपका अराउंड 10 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है. उसके अलावा आपको मेजर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड शॉपिंग एरियाज भी यहाँ से 10 से 15 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर मिल जाएंगे. एंड इन सभी के नाम आपके लिए स्क्रीन पर मेंशन है. सो गाइज, ये तो थी लोकेशन एंड कनेक्टिविटी. प्लस ये, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये आपका नया एक डेवलपिंग सेक्टर है. तो यहाँ पर सबसे पहला प्रोजेक्ट है गोदरेज बिल्डर का. तो प्लस हम बिल्डर की भी थोड़ी बात कर लेते हैं. ऑल्दो बिल्डर नीड्स नो इंट्रोडक्शन, गोदरेज एक बहुत ही बड़ा नाम है रियल एस्टेट के मार्केट में. इन्होंने ऑल ओवर इंडिया 80 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर दिए हैं. अराउंड 10,000 लोगों को इन्होंने होम्स डिलीवर कर चुके हैं. मतलब 10,000 प्रॉपर्टीज ये कम्प्लीटली अभी तक सोल्ड आउट कर चुके हैं, डिलीवर कर चुके हैं. उसके साथ साथ अगर हम पर्टिकुलरली नोएडा की बात करें तो नोएडा में ये इनका 5वां प्रोजेक्ट है. एंड ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इनका खुद का प्रोजेक्ट है. इन्होंने पूरी ये जो लैंड ली हुई है ये इनकी फुली पेड अप लैंड है. एंड ये इंडिविजुअली ओन्ड इनका प्रोजेक्ट है. बाकी जो 4 प्रोजेक्ट थे इनके वो सबके सब आपके ज्वाइंट वेंचर्स में थे. एंड मेजर थिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फुली पेड अप लैंड है. एंड ये जो प्रोजेक्ट है, जो गोदरेज ट्रॉपिकल आइल, जैसा कि ये नाम ही सजेस्ट करता है, ये आपका आइलैंड की थीम पर बना हुआ है. काफी अच्छा प्रोजेक्ट है. आने वाले टाइम में ये काफी ज्यादा अप्रिशिएट करेगा. एंड पहला प्रोजेक्ट है इस सेक्टर का. दैट मीन्स यहाँ पर अगर आप आज अपार्टमेंट बुक कर लेते हैं तो आपको आने वाले टाइम में काफी ज्यादा यहाँ के रेट्स में हाइक मिलेगा. अगर आप इसे रीसेल में बेचोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा अप्रिशिएशन मिलेगा. बस गाइस, थोड़ा और आगे चलते हैं एंड इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स और डिस्कस करते हैं. गाइस, इस प्रोजेक्ट की हम बात करें तो गोदरेज ट्रॉपिकल आइल का जो प्लॉट है वो आपका अराउंड 13 एकड़ के एरिया में बना हुआ है. एंड इस प्रोजेक्ट को 2 फेजेस में डिवाइड किया है. तो दोनों फेजेस आपके 6.5 एकड़ 6.5 एकड़ के रहेंगे. इस वीडियो में हम सिर्फ फेज 1 को डिस्कस करने वाले हैं. तो यहाँ पर आपके पास 5 टावर रहेंगे जिनकी हाइट रहेगी G+35. एंड यहाँ पर आपकी टोटल 700 यूनिट्स हैं. एंड यूनिट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 3 BHK, 3+7 एंड 4 BHK अपार्टमेंट्स की यूनिट्स मिल जाती हैं. एंड इनमें आपका मिनिमम साइज रहेगा 1800 स्क्वायर फीट एंड मैक्सिमम साइज रहेगा आपका 3400 स्क्वायर फीट. एंड एक फ्लोर पर आपके 4 अपार्टमेंट रहेंगे विद 4 लिफ्ट. साथ ही साथ जो पूरा प्रोजेक्ट है ये आपका माइवान फ्रेमवर्क के साथ बन रहा है. अगर मैं अपार्टमेंट्स की बात करूं तो अपार्टमेंट्स आपके सेमी फर्निश्ड कंडीशन में डिलीवर किए जाएंगे. एंड ओपन एरिया की भी बात की जाए तो यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट में मोर देन आपको 70% ओपन कम ग्रीन एरिया मिल जाता है, जिसमें कि आपके 1 लाख स्क्वायर फीट में आपको
रिक्रिएशनल एरिया प्लस क्लब हाउस रहेगा। तो गाइस यहाँ का जो क्लब हाउस है वो आपका 4 लेवल क्लब हाउस रहेगा एंड उसमें आपकी वर्ल्ड क्लास लेवल की 5-स्टार होटल की अमेनिटीज प्रेजेंट रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर आपका स्विमिंग पूल रहेगा, बैंकेट एरिया रहेगा, कैफेज आपके प्रेजेंट रहेंगे, उसके अलावा स्पा, सोना, इंडोर गेम्स आपके रहेंगे, जकूजीज रहेंगे एंड उसके अलावा यहाँ पर आपका मिनी थिएटर रहेगा, लाइब्रेरी रहेगा। सो आपकी एक तरह से आपकी सारी A to Z आपकी सारी अमेनिटीज क्लब हाउस में प्रेजेंट रहेंगी। उसके साथ साथ आपकी ग्रीन एरियाज यहाँ पर रहेंगे, आपके आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए भी यहाँ पर डेडिकेटेड स्पेसेस दिए गए हैं एंड जो पूरा प्रोजेक्ट है जिसकी मैंने आपको बताया है ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आइलैंड लिविंग को लेकर है। तो यहाँ पर आपके ट्रॉपिकल लगून्स रहेंगे, रेन फॉरेस्ट रहेगा, ग्रासलैंड्स रहेंगे एंड क्लाउड फॉरेस्ट रहेंगे। अगर मैं लगून्स की बात करूँ तो लगून विल हैव बीच एज, फ्लोटिंग कैफेज, कास्केडिंग स्टेप्स, पूल डेक, जकूजी, आइलैंड सिटिंग, किड्स पूल एंड कबानाज। एंड ग्रासलैंड में आपका रहेगा बारबेक्यू डेक, हर्बल गार्डन्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एम्फीथिएटर, रेस्ड पवेलियंस, शेडेड जिम, रिफ्लेक्सोलॉजी पार्क्स एंड ट्री डेक्स। वहीं रेन फॉरेस्ट में रहेंगे आपके ट्रॉपिकल सिटिंग्स, ओपन वर्क स्टेशंस, सन बेदिंग डेक, लोटस पॉन्ड्स, ट्रॉपिकल सिटिंग एरियाज, योगा एंड मेडिटेशन डेक। एंड क्लाउड फॉरेस्ट में आपके डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स रहेंगे, फॉरेस्ट ट्रेल्स रहेंगे, पाथवेज रहेंगे, किड्स प्ले एरिया लॉन, आउटडोर एक्सरसाइज एरिया, माउंट गार्डन्स एंड जेन गार्डन्स रहेंगे। प्लस यहाँ के जो सभी टावर्स हैं उनके ऊपर आपको रूफ टॉप गार्डन्स भी मिल रहे हैं, मतलब टेरेस गार्डन आपके प्रेजेंट रहेंगे। एंड अगर मैं प्रोजेक्ट की लैंडस्केपिंग की बात करूँ तो ये आपका इंटीग्रल डिजाइन्स ने किया है एंड यहाँ का आर्किटेक्चर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने किया है। एंड गाइस क्लब हाउस इज मैनेज्ड बाय क्विंटेसेंशियली वेलनेस बाय तत्वा एंड जिमनेशियम बाय पॉलीफील्ड। गाइस पीछे आप जो ये लैंड देख सकते हैं ये गोदरेज ट्रॉपिकल आइल का प्लॉट है। ये प्लॉट आपका 2 साइड ओपन रहेगा, सामने आपका ये रहेगा, ये फ्रंट रहेगा जहाँ पर आपको 45 फीट वाइड रोड मिल जाएगा, प्लस साइड में आपका सेक्टर रोड है, ये आपका 18 फीट वाइड सेक्टर रोड है। इस प्रोजेक्ट में आपको 2 एंट्री एग्जिट मिल जाती हैं। फेज वन में आपकी 2 एंट्री एग्जिट रहेंगी, प्लस पार्किंग आपकी बेसमेंट में रहेगी। उसके साथ साथ यहाँ पर आपकी कमर्शियल शॉप्स भी रहेंगी। तो प्रोजेक्ट में आपकी 17 कमर्शियल शॉप्स रहेंगी आपके डेली नीड्स के सामान के लिए एंड प्रोजेक्ट आपका 2028 तक डिलीवर कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू रेरा। तो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेस प्रोजेक्ट गोदरेज ट्रॉपिकल आइल। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा डू टेल अस इन द कमेंट्स। प्लस अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्राइस जो है वो रहेगा आपका 2.23 CR ओनली। एंड ये जो प्रोजेक्ट है आपका, अगेन मैं आपको उसकी USPs एंड समराइज कर दूं तो ये आपका बैंगॉन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है एंड आपको 10 से 15 मिनट की डिस्टेंस पर आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती है। प्लस आप देखिए प्रोजेक्ट बिल्कुल ही नेक्स्ट, बिल्कुल प्लॉट के बिल्कुल ही नेक्स्ट यहाँ पर डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर भी बना हुआ है एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेक्टर 146 ये एक अपकमिंग डेवलपिंग सेक्टर है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर लैंड की कीमत, यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी कीमत काफी ज्यादा अप्रिशिएट करेगी एंड सेक्टर 146 का जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है वो रहेगा गोदरेज का प्रोजेक्ट गोदरेज ट्रॉपिकल आइल। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए जो भी एक प्रीमियम रेसिडेंस ओन करना चाहते हैं, एक लग्जरी अपार्टमेंट ओन करना चाहते हैं नोएडा में। तो उसके लिए आप जल्दी से हमें ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। एंड उसी के साथ साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मैं आपसे मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।